आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वेस्ट बंगाल में बिल्कुल भी नेट नहीं है। आप सभी को पता है साइक्लोन अम्फन जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल में आया था और बहुत बड़ी तबाही मचाकर चला गया। जब ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा यानी संडे को, तो भी मैं जियो के नेट से अपलोड करूंगा, वो भी जियो का नेट बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है ना। मंडे तक आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मैं रेगुलर बात कर रहा हूं सभी से। उसके पहले बोल दूं, अभी मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूं फेसबुक वगैरह पर कि अगर कोई बात कर रहा है ना कि वेस्ट बंगाल में तबाही आया, तो बहुत लोग हंस रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिनको लोगों से देश से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जो सुबह शाम टीवी में बैठकर हिंदू मुस्लिम का डिबेट देखते हैं, और ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम जो है वो उस मीडिया चैनल को देखते हैं जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान का न्यूज दिखाता है। अब बताता है पाकिस्तान में टमाटर 10 रुपया किलो है, 100 रुपया किलो। यार हमको क्या मतलब है पाकिस्तान का न्यूज, हम थोड़ी ना पाकिस्तानी है। वे वही लोग है जो सुबह शाम ये सब चीज देखते हैं, जो हंस रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को मैंने प्रतिशत का 8 पार्ट दिया है, और परसेंटेज का जो क्लास है ना वो मैंने पूरे खत्म कर दिया है। खत्म का मतलब होता है कि बेसिक लेवल से यानी नीचे से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, और हर एक टाइप का मतलब ये है ना। एक बात इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का सेंट्रल लेवल का, कोई भी एग्जाम, बैंक का तैयारी कर रहे हो आप, सीजीएल का, एमटीएस का, एसएससी, कोई भी एग्जाम, या फिर आप सभी अगर स्टेट लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई, बिहार पुलिस एसआई, या बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई भी छात्र है, परसेंटेज का मैंने पूरा ए टू जेड पढ़ा दिया है। 8 टॉपिक दिए हैं मैंने, 8 वीडियो आपको दिया है, और बस वीडियो नहीं दिए हैं कि बस पढ़ा कर निकल गए। इसका मतलब ये नहीं कि बस वीडियो बना दिए और निकल गए, ऐसा नहीं। हर प्रकार के सवाल मैंने करवाया है, प्लस जो क्वेश्चन होता है ना, जिनका मैथ कमजोर है, जिनको मैथ का ए भी नहीं आता था, उनको भी मैंने पूरा सिखा दिया है। आप वीडियो देखना, लाइन बाय लाइन आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो का लिंक जो है या जो प्लेलिस्ट का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अब बात आता है, जब भैया चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो बचा क्या है। बिल्कुल देखो, आप सभी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास कोई ना कोई बुक्स होगा, या फिर आप रिसेंट में कोई भी एग्जाम दिए होंगे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, बैंक का, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम, वहां पर अगर कोई भी प्रतिशत का सवाल आपको देखने को मिला होगा, परसेंटेज का, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको गणित, अगर आपको मैथ सीखना है ना, तो कम से कम पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम भी नहीं। बहुत जन बोलते हैं भैया पहला चैप्टर नंबर सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पहला चैप्टर होना चाहिए क्या, आपका प्रतिशत। जिस तरह अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहला वर्ड क्या बोलता है, पहला वर्ड वो क्या बोलता है, मां। उसी तरह अगर आपको मैथ सीखना है तो पहला चैप्टर आपको परसेंटेज सीखना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे से, वरना जब मैथ के अगले चैप्टर पर जाओगे ना तो आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा। इसीलिए परसेंटेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात आता है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, कोई भी किताब हो, किरण प्रकाशन हो, आरएस अग्रवाल हो, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर हो जिसका प्रतिशत का सवाल आपसे नहीं बन रहा है ना, आप मुझे सेंड कर देना। लेकिन एक शर्त है, कैसे सेंड करना है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब बस आप क्वेश्चन देख रहे हो और आपसे नहीं बन रहा है, आप सेंड कर देंगे तो इसमें क्या होगा, मुझे भी पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बताने में टाइम लगेगा। तो ये काम मत करना। आपको करना क्या है, जो 8 वीडियो दिए हैं ना, मुझे लगता है 90-95% जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक है, वो मैंने सब कुछ आपको, भंडार बोलते हैं ना, सब कुछ मैंने आपको सिखाकर इसमें डाल दिया है, ठीक है। अगर वो 8 वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सवाल अधूरा रह गया, या कोई भी क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आप नहीं सीख पाए प्रतिशत को लेकर, वो क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। भैया आपको हम कैसे सेंड कर पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना
एक ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर 13,000 ऑलरेडी स्टूडेंट है। उस ग्रुप में एक पोस्ट मैंने डाल दिया है, पोस्ट मैंने डाल दिया है कि प्रतिशत से अगर किसी का सवाल नहीं बन रहा है तो वो सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब जो पढ़े, अब जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, जो सच में तैयारी कर रहे हैं अपने मम्मी पापा के सपने को लेकर कि उनका सपना पूरा करना है, वरना आजकल के डेट में क्या हो रहा है, बहुत जन बच्चे बस पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है। मां बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए पापा का कंधा जो है वो कमजोर हो रहा है, उनके कंधा का बोझ संभालना है, इसलिए अब मां बाप ही सारा जिंदगी खिलाएगा बैठाकर, ये समझना पड़ेगा। जो इस चीज को समझ रहा है बहुत डीपली, कभी सोचे होंगे ना कि मां बाप को हर एक खुशी देना है जो वो डिजर्व करते हैं, इतना दिन पाले पोसे बिना शिकायत का अपना घर चलाए, तो अब मेरा टाइम है कि अपना घर चलाया जाए। जो सीरियस से पढ़ाई को लेकर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक है सक्सेस की 98 का, जो फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर मैंने एक पोस्ट डाल दिया है कि अगर किसी का क्वेश्चन प्रतिशत से नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट में डाल सकता है। कितना भी हार्ड सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, कितना भी हार्ड सवाल हो, परसेंटेज का आप दे देना, लेकिन एक शर्त मैं बार बार बोल रहा हूं, वो 8 वीडियो देख लेना। आप बोलेंगे ना भैया हर एक सवाल बन रहा है, हर एक सवाल बन रहा है, कुछ सवाल छूट गया, कुछ कंसेप्ट छूट गए, आप मुझे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, और हाँ, जिस वक्त आपका ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ये तो नहीं बोल सकते कल मंडे है तो कल आपको वो क्लास मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा वो कितना तबाही मचा चुका है बंगाल में अम्फन। हो सकता है अगर सोमवार को शाम रात तो रात तक अगर नेट आ गया तो आपको ट्यूजडे को जो है वो क्लास मिल जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा आप मुझे सेंड कर देना, कितना भी क्वेश्चन हो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं फालतू का क्वेश्चन सेंड मत करना। ये मत करना कि भैया मुझसे नहीं बन रहा, मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया और बाद में पता चला मैंने वो क्वेश्चन तो करवा दिया ऑलरेडी। आप देखना जो चीज नहीं बन रहा है, जो अधूरा रह गया, वो मुझे सेंड करिएगा, कितना भी हार्ड सवाल हो, ठीक है ना। चलिए।